दोस्तों ये है आइकू का Z9 Lite 5G जो हम अमेजन से लाए थे। पैकेज कुछ इस तरह का है, उतना ढंग से पैक किया नहीं है। एक मोबाइल है अंदर, मोबाइल बॉक्स है अंदर, लेकिन उसके हिसाब से जो पैकिंग होना चाहिए था पैकिंग वो हुआ नहीं है। तो आइए हम खोल के देखते हैं। ये आप देखिए कैसे करके पैकिंग किया है, कोई भी बंदा ऐसा खोल सकता है। आप देख सकते हो शाइनिंग तो बहुत अच्छा मार रहा है। हम इसको अंदर खोल के देखेंगे। ये पन्नी हटा दिया। खोलने के बाद पहले ही ये आपको ऐसा डिवाइस दिखेगा, ये IMEI नंबर वगैरह, स्टिकर वगैरह कुछ है। ये TPU कैशिंग है, अच्छा है। दोस्तों ये जो कवर है ना, ये कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये ब्राउन कलर सा हो जाता है। और अंदर ये कुछ पुस्तकें हैं जो हम देखेंगे नहीं। ये चार्जर है और ये डाटा केबल है और एक सिम इजेक्टर पिन भी दिया है। ये देखिए आप, वीवो लिखा है इसमें। IQ जो है ना वो वीवो का ही एक सब ब्रांड है। तो अगर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ हुआ, वारंटी इशू कुछ हो गया, तो आपको वीवो का सर्विसिंग सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो फ़ोन है ना IQ की तरफ से, जो Z9 Lite 5G है, ये आपको सेम मॉडल वीवो में भी मिल जाएगा। वीवो का जो T3 Lite 5G फ़ोन है, वो वाला फ़ोन और ये वाला फ़ोन एकदम दोनों सेम टू सेम है। वाओ, ये देखिए शाइनिंग बहुत अच्छा मार रहा है। माचो ब्राउन, माचो ब्राउन मतलब जो माचो माचो जो वर्ड लिखा है ना ये लोगों ने, माचो, तो ये दिखने में कुछ माचो ही है। ये दिखने में कुछ ऐसा आपको लगेगा कि कुछ लग रहा है, लेकिन ये प्लेन है। और ये जो शाइनिंग मार रहा है ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट चिपकेगा, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो फ़ोन कुछ इस तरह का है। हम इसको ऑन करके देखते हैं। IQOO 5G पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो ऑन होते होते हम इसका कुछ हाईलाइट फीचर्स चेक करते हैं। इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6300। प्रोसेसर भी अच्छा है, हल्का फुल्का गेमिंग भी कर सकते हो। दोस्तों ये जो फ़ोन है ना, ये आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी AI कैमरा है इसमें। और जो इसका बैटरी है, ये बैटरी 5000 mAh का बैटरी है IQOO की तरफ से। और ये 5G कंपेटेबल फ़ोन है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका FantasOS है, FantasOS 14 है। दोस्तों इसमें 6, ये आपको दिख रहा है 6+6GB, मतलब आप 12GB रैम यूज़ कर सकते हो इस मोबाइल में। और इंटरनल स्टोरेज है 128GB। ये हमको अमेजोन से पड़ा था लगभग 11,500। मोबाइल ठीक ठाक ही है, इसको चला के देखना पड़ेगा अभी परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो आज के लिए इतना ही।